It's on YouTube, launching tomorrow, which I'm very nervous about. And thank you everybody for coming here and supporting this cause. Hot Studios. Hot Studios. We are all hot. And this is my team. I'll introduce you to my team also now. Sare young ladke hain. Most of them are, they haven't worked with professional actors before. Right out of college. तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर से शुरू करता हूँ. हमारा डायरेक्टर है, ये उम्र में वैसे ही छोटा लग रहा है और वैसे भी छोटा है. His name is Shubham. He's the director and editor of the series. And then we have our DOP, who's Akshay. He's the one who's handled the eye behind the camera. And Anuj, he's the guy who's given music and background score for the series. तो अभी ऑफ कोर्स आप काम नहीं देख पाएंगे क्योंकि कल लॉन्च होने वाला है. थोड़ा सा हम स्निपेट चलाने वाले हैं अंदर, जिसमें पता लगेगा आपको कि किस बारे में है. लेकिन दिस इज द टीम एग्जैक्टली. तो कैप्टन ये है शिपके, छोटी सी टीम है हमारी, बट और प्लेयर हम भी पावरफुल टीम. या अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कपल ऑफ मिस्टेक्स अगर बात करें तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कोई मिस्टेक्स है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सारी जो है वो हमारी लाइफ की तो है. आप जो भी एपिसोड्स देखेंगे वो या तो करण की लाइफ की है या मेरी लाइफ की है. जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सी जो चीज़ें होती है वो काफ़ी कुछ आई थिंक आपको देखने को मिलेंगी. तो मतलब एक कोई मिस्टेक पूछना इज लाइक क्या बोल सकते हैं, मतलब जब शादी के बाद तो हज़ारों मिस्टेक्स होती है. सो वो होती रहेंगी हमारे एपिसोड्स में, आप देखते रहेंगे. सारी मिस्टेक्स हस्बैंड की होती है, जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना अच्छा है शादी के लिए. अच्छा, कल ही वैलेंटाइंस डे गया है और आज आपने मिस्टेक कर दी, तो क्या कहेंगे? ऐसा कोई प्लान था कि वैलेंटाइंस डे के बाद ही लॉन्च करना है या फिर इन केस यू एफ अप योर वैलेंटाइन, दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो दैट्स द रीजन अगले दिन. हां, तभी मैं एफ रखते हुए, दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर इट. या एक्चुअली आई थिंक इट इज द यू नो द हफ्ता है वाला, इट्स अ वीक, इट्स अ मंथ ऑफ लव. सो ऐसा नहीं है कि मतलब अश्विन और मीरा सिर्फ लड़ाई करते हैं, बहुत प्यार भी है हम दोनों में. सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस मंथ आई थिंक, बिकॉज़ इट्स जस्ट द मंथ ऑफ लव. सो एंड आपको असली अश्विन से मिलाना बहुत जरूरी है जो यहीं पर है. असली अश्विन इज हाइडिंग समवेयर इन नील. नील इज द असली अश्विन जिनसे हम इंस्पायर होके स्टोरीज बना रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट और एमिनेशन मुझे इनसे मिलता है. तो असली कम असली आदमी जो आप देख सकते हैं, द रियल हस्बैंड, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी हमने इतनी सारी हमारी लाइफ से काफी इंस्पायर्ड है. सबके सामने आने वाली है. इनकी नहीं है यार, हमारी भी है. सबसे पूछा आपकी भी, आपकी होगी सब पतियों की है. आपकी होगी ना, आपसे भी लूंगा थोड़ा. तो आप जब भी एपिसोड, हां ये सब पतियों की कहानी है. सो या सो हम जब भी आते हैं, अभी भाई ट्रक हटवा दो यार, बड़ा गंदा लग रहा है. सॉरी प्लीज. जब भी हम आते हैं करण से मिलने, कभी साथ में, तो करण यूजुअली मुझे देखता रहता है, घूरता रहता है. तो मुझे लगता है अजीब सा लगता है ना, कोई घूर रहा है आपको. तो उसने मुझे बताया कि नहीं, मैं तुम लोगों को नोटिस करता हूँ और देखता रहता हूँ क्या इक्वेशन है, क्या है, वहाँ से स्टोरीज कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. एक सहमा सा इंसान अगर दिखे आपको, आप उसको सपोर्ट करने, आपको सपोर्ट करने का मन करेगा कि अभी भी मतलब बड़ी दूर से बुला के लाना पड़ा कि नील असली अश्विन कहाँ पर है, तो ये आना है, मुझे ही बुलाया जा रहा है. अच्छा, वाइफ इज सही कम. तो ये सब चीज़ें मुझे ऑफकोर्स रियल लाइफ कपल्स जो हैं उनसे मैंने सीखी हैं, इनसे काफ़ी सीखी हैं. एंड बरखा इज बीन, आई डोंट नो इफ शी विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, शी इज बीन नेचुरल इन दिस. नेचुरल, एक्सक्यूज मी. और ये बच्चे हैं हमारे, इनसे भी प्लीज कुछ पूछा जाए. शुभम, फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग प्रोफेशनल एक्टर्स आउट ऑफ कॉलेज, कैसा लगा आपको दो स्टार्स के साथ काम करके? कितना एक्साइटेड हो उसका काम देखने के लिए, कितना मतलब झेलना पड़ा इन लोगों को? नहीं झेलना कुछ नहीं पड़ा, ऑलरेडी हम लोग को इतना ज्यादा मिल गया एक्सपीरियंस की शादी के बाद. जो जो मिस्टेक्स ना हो पाए हम लोग से वो कोशिश करेंगे. और बचपन से सपना था बरखा मैम के साथ और करण सर के साथ काम करने का. बचपन से, माय गॉड, मैं नहीं छोड़ूंगा. मुश्किल तो थोड़ा हुआ तो करण सर के साथ वक्त बिताने से, बरखा मैम के साथ वक्त बिताने से. ये बोल ही रहा तो बोल देता हूँ, इसको मुश्किल नहीं हुआ, इसको क्लासेस इतनी मिल गई है कि इसकी एक नहीं तीन तीन चार 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 गर्लफ्रेंड्स हैं. तो अब वो हाँ मतलब सब एक्सपीरियंस मिल रहा है इसको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस. हाउ डिफरेंट इज दिस फ्रॉम अदर वेब सीरीज एंड अदर थिंग्स दैट वी हैव सीन बिफोर? बताइए. डिफरेंट फ्रॉम रामोस, बहुत डिफरेंट है. हाँ बोलिए बोलिए, आप कौन बोलेगा पहले? पहले तुम बोलो डायरेक्टर. अच्छा डायरेक्टर, मैं बोलूँ. बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये स्केच है और काफ़ी मोर रियल है
कि मतलब रियल लाइफ की स्टोरी आप वेब पे दिखा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर डिफरेंस ओवर हियर इज दैट इट इज अ मर्जर लाइक दिस इज नेवर हैपेंड बिटवीन डिजिटल फिल्म एंड Bollywood, they don't like to say it, but of course, Hindi film industry, television और digital का पहला मिश्रण देखने को मिलेगा आपके. बहुत सारे मेरे हमारे इनफैक्ट फिल्म फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है. They've seen me in other web series and they knew that something good is going to come up. That's why hot क्या है ये कल सबको पता लगने वाला है और ये बहुत ही अलग होने वाला है. So we have also started a new channel called Bollywood. It's about Bollywood buffs and all the people who keep following Bollywood news and हमारा डी ओ पी ऐसे भी पूछ लो. सबसे पहले तो इसको हमने डरा के रखा हुआ था. Well, बहुत नया एक्सपीरियंस एक्चुअली जो इनका एक्सपीरियंस है लाइक इट वो हमने आज तक एक्सपेरियंस नहीं किया था जिन जो जिस लेवल पर इन्होंने काम किया है. थोड़ा नर्वस हुआ एक्चुअली. सो यूजली कैमरा के बिहाइंड रहता तो कैमरा आगे आगे बोलना तो थोड़ा सा अलग फील होता है. तो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. और क्या बोलूँगा यार हमारे शूटिंग के समय एक्सपीरियंस एक्चुअली करण और मैं एक दूसरे का बहुत सालों से जानते हैं. मतलब बहुत सालों से. आई थिंक जब मेरी शादी नहीं हुई थी ऑलमोस्ट हुई थी. मतलब तब से जानते हैं. मतलब बहुत साल हो गए बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. सो वर्किंग विद हिम वाज वेरी कंफर्टेबल यू नो. एंड आई थिंक बहुत छोटी टीम है जैसे आप देख सकते हैं. हम चार लोग हैं जो शूट करते हैं तो हम हमेशा हंसते रहते हैं मस्ती करते रहते हैं. मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. और यू नो हम शूटिंग से टाइम से पहले पहुंच जाते हैं. करण के घर में सब बैठकर चिल करते हैं. शूटिंग खत्म होने के बाद उसके घर में बैठे रहते हैं. सो इट फील्स लाइक होम. इट्स वेरी कंफर्टेबल. इट्स अ लॉट ऑफ फन. इट्स लाइक अ फैमिली फीलिंग. हाँ है ना. एंड वेरी डिफरेंट जो हम नॉर्मल अपने जो डेली सोप्स करते हैं उससे बहुत अलग है क्योंकि वैसे वो इतना काम का वो प्रेशर नहीं रहता. एंड हम कुछ इतना रियलिस्टिक करते हैं. आधे से ज़्यादा टाइम हमारे पास डायलॉग्स भी नहीं होते. हम मैं और करण मतलब जो मन में आता है बोल देते हैं. मतलब जैसे लाइक रियल हस्बैंड वाइफ हम सिचुएशन क्रिएट करके कुछ भी बोलते हैं. सो वी आर एक्चुअली वेरी रियल. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. थैंक यू. थोड़ा सा एक राउंड मार के आगे सीधा गेस्ट एंड कम बैक आल्सो. देयर पीपल कमिंग. तब तक के लिए ओके. तब तक नीलम बरखा जी वी विल कम आउट. वी विल कम आउट. Yeah, yeah.